हाय एवरीवन, सॉरी मैडम यार, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ i17 के फीचर्स के बारे में। मैंने रिसेंटली यार अपने आईफोन SE 2 को, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, इसको iOS 18 में अपडेट किया है। यहाँ पे कोई भी डेट का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पे डिस्प्ले लाइनिंग का कोई इशू देखने को मिलेगा, जहाँ तक अभी मैं इसे यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यार i17 के फीचर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उससे पहले यार, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन हुए। सबसे पहले यार यहाँ पे मैं आपको सेटिंग को ओपन करके दिखाता हूँ। जो मेरे जो आईफोन SE 2 है, ठीक है, जो कि iOS 18 में मैंने अपडेट कर लिया है। अभी फाइनली यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, iOS 18 लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे फीचर्स की, iOS 18 में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर की बात करते हैं। अगर आप डायलर में जो है कोई भी कॉन्टेक्ट वगैरह डायल करते हैं, तो यहाँ पे आपको T9 डायलिंग का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट को सेव कर रखा है, मैं सिंपली T9 डायलिंग में उस कॉन्टेक्ट को टाइप करता हूँ, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा फीचर है, एंड्रॉइड में तो सालों से है, लेकिन फाइनली iOS 18 में फीचर आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ यार आपको होम स्क्रीन का नया लुक देखने को मिलेगा और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आपको एम्प्टी स्पेस में जो है प्रेस एंड होल्ड करके रख लेना है। इसके बाद आपको एडिट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको कस्टमाइज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पे टैप करना है। और इधर यार आप मतलब की लाइट डार्क थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, आइकन को बड़ा कर सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको बैकग्राउंड को डार्क करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इधर यहाँ पे आपको एक टिंटेड का ऑप्शन भी है, तो आप अपनी मर्जी का जो आइकन का कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको टिंटेड पे जाके दिखाता हूँ, और यहाँ पे अपनी मर्जी से एक कलर को सिलेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरह का आपको जो लुक है देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा फीचर है। मुझे पता है बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो सिंपल चीजें हैं वही पसंद आती हैं। ठीक है, मेजोरिटी को तो सिंपल चीजें पसंद आती हैं। इसके साथ यार अगले फीचर की हम अगर यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे यार किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। उसको हाइड करने के लिए यार सिंपली आपको एप्लीकेशन को प्रेस एंड होल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे आपको रिक्वायर टच आईडी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर रिक्वायर फेस आईडी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं हाइड पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना टच आईडी डालता हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हाइड हो जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे होम स्क्रीन से एप्लीकेशन गायब हो चुके हैं। और पहले तो यार इसके आइकन का लुक को मैं ठीक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका लुक है मेरे को देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अब ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि एप्लीकेशन कहाँ हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐप लाइब्रेरी में जब जाएंगे, स्क्रॉल नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको एक हिडन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर टैप करेंगे, यहाँ पे आपको टच आईडी या फेस आईडी डालना है, और वो सभी एप्लीकेशन की लिस्ट आ जाएगी जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड कर रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बजाय थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पे कैलकुलेटर एप्लीकेशन में हुए हैं। इसका जो इंटरफेस है काफ़ी चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, पहले से। और यहाँ पे अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि मैं एक नंबर डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंगल एक बटन प्रेस करके यहाँ पे काट सकता हूँ। और इसके साथ ही अगर मेरे को प्लस करना है, तो इस तरीके से मैं प्लस कर सकता हूँ। तो सारा जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इक्वल करके मैं जो सम है वो कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इधर एक कैलकुलेटर का आइकन आ जाता है, इस पर अगर आप टैप करेंगे यहाँ पे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर देख सकते हैं। अगेन इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप मैथ नोट भी ले सकते हैं, कोई भी आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बना सकते हैं बिंदास तरीके से। ये और काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे मेरे को देखने को मिला है iOS 18 में। अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे यार आप अगर वीडियो में जाते हैं, वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करते हुए यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू कर चुका हूँ, इसके बाद मैं पॉज पर टैप करूँगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज हो जाएगी। और अगर मैं अगेन इसे रिज्यूम करना चाहता हूँ, मैं अगेन इस पर टैप करूँगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो यह भी काफ़ी अच्छा फीचर है, एंड्रॉइड में और कई सालों से था, लेकिन फाइनली iOS में भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत से फीचर यार iOS 18 में जो है एंड्रॉइड से कॉपी किए गए हुए हैं या इंस्पायर होकर लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली आपको मिल तो रहा है कम से कम, है ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि यार ये एंड्रॉइड में इतने अच्छे फीचर हैं, क्यों आईफोन में ये वाले फीचर नहीं है। तो कम से कम एप्पल इस चीज़ पर काम कर रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद यार अदर फीचर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो UI में थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं कंट्रोल सेंटर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको न्यू जो UI है देखने को मिलेगा। और ये जो कंट्रोल सेंटर है, थोड़े मेरे को इसके आइकन यार छोटे से लग रहे हैं, क्योंकि हालांकि मेरा आईफोन भी थोड़ा छोटा वाला है, आईफोन SE 2 है जो कि 4.7 इंच की डिस्प्ले है, तो उस हिसाब से मेरे को जो कंट्रोल सेंटर के आइकन है वो थोड़े छोटे लग रहे हैं। हालांकि मैं इनके साइज को बढ़ा सकता हूँ, इसके लिए मेरे को प्लस आइकन पर टैप करना है, इसके साइज को मैं एडजस्टेबल कर सकता हूँ। तो किसी भी आइकन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, और नए आइकन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। न्यू आइकन ऐड करने के लिए यहाँ पे आप एडिट कंट्रोल पर टैप करेंगे,
और बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी आइकन को अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक गाइडेंस एक्सेस वाला है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और ब्राइटनेस कंट्रोल या वॉल्यूम कंट्रोल में एक न्यू चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस वाले स्लाइडर पर आप हल्का से स्क्रॉल करते हैं तो ब्राइटनेस तेज हो जाती है। पहले ये था कि आप जितना स्क्रॉल करेंगे उतना ही कम ज़्यादा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे मैं इसे स्वाइप करता हूँ तो एकदम से जो स्लाइडर है वो नीचे आ जाता है, या फिर मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ तो ये एकदम से ऊपर आ जाता है। तो ये भी नया चेंज इन्होंने दिया है। पहले आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ता था, अभी आप सिंगल टैप यहाँ पे करके इसे ओपन कर सकते हैं। और इसे भी सिंगल टैप करके ओपन कर सकते हैं वॉल्यूम वाले को, और इस तरीके से आप इसे स्वाइप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे यार जो कंट्रोल सेंटर के पेजेस हैं वो आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो नए नए पेजेस हैं यहाँ पे बना सकते हैं, उन पर स्विच भी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को यहाँ पे पसंद आई है, लेकिन ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये जो कंट्रोल सेंटर का साइज है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को देखने में। इसी तरीके से आज और भी चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अगर सेटिंग को ओपन करते हैं तो सेटिंग में भी आपको बहुत सारे नए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से यार ये अच्छा अपडेट है, बाकी मैं यूज़ करके देखूंगा इसमें मेरे को कैसे परफॉर्मेंस मिल रही है, कैसे बैटरी लाइफ मिल रही है, वो सब का रिव्यू अगर आपको चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उस पर भी सोच रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँ। तो आपका क्या कहना है यार iOS 18 के बारे में, कैसा ये अपडेट आपको देखने को लगा है, ठीक है? और अगर आपने अपडेट नहीं किया iOS 18 में अपने आईफोन को तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ पे आपके लिए iPhone 18 वीडियोस लेके आते रहते हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।